फ्रेंड्स, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। क्या हाल चाल है? बढ़िया है जी। जी हम भी अच्छे हैं जी। दोस्तों, एक ऐसा देश है जिसे आप देश भी कह सकते हैं, या एक बड़ा सवाल भी, वो देश है या फिर शहर। एक ऐसी जगह जहाँ के लोगों का IQ भाई दुनिया का सबसे अधिक माना जाता है। एक ऐसी जगह जो चीन और इंग्लैंड की सरकारों के बीच में है। अगर आप युवा हैं तो इस जगह पे जाके आप मौज कर सकते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पर पैसे देकर भाई सब कुछ करना अलाउड है लड़की के संग। यहाँ आप किसी के संग भी शराब पी सकते हैं, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। जहाँ की लड़कियाँ आपको आंखों के इशारों से भाई घायल कर देती है, जहाँ की हर चीज में नशा है, सब मौज में रहते हैं और इस जगह आने वाले को भी पूरा मौज करवाते हैं। जरा सोचिए सोचिए हम किस जगह के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, दुनिया की एकमात्र जगह जिसका नाम है हांगकांग, जिसे यंग जनरेशन हसीन रातों का शहर कहता है। तो बने रहिए हमारे संग, इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हांगकांग की सैर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता वो ये है कि हांगकांग कोई देश नहीं है, ये एक आइलैंड है और ये एक शहर है। इसकी जनसंख्या केवल 70 लाख है। इनफैक्ट आप इसे चीन का एक स्पेशल एरिया भी कह सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है हांगकांग का आधिकारिक नाम क्या है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। इसका ऑफिशियल नाम है द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जी हाँ, इसके नाम से भी इसको जानते हैं। बहुत बड़ा नाम है भैया, तभी तो शॉर्ट में कहते हैं हांगकांग। दोस्तों, शहर कई सारे आइलैंड को मिलाकर बना है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ ही पर इंसान रहते हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जहां पर आज तक कोई नहीं पहुंचा। प्लीज ये सुनकर आप फन्ने खा मत बनना और ये मत बोलना कि मैं पहला आदमी बनूंगा आइलैंड पर जाने वाला। वीडियो देखो, वीडियो वीडियो देखिए। एकमात्र ऐसा शहर है जहां किसी के साथ भी शराब पी सकते हैं। I mean to say, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, आप शराब पी सकते हैं, क्योंकि इसके खिलाफ इस शहर में कोई भी कानून नहीं है। बड़े पियक्कड़ लोग हैं भाई। आगे और बताएंगे, अभी आप बताइए किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं, लिखिए ना अपने शहर का नाम। दोस्तों, हांगकांग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की नाइट लाइफ सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है। रात में ये शहर सोता नहीं है, बल्कि यहाँ होती है पूरी रात पार्टी, मौज मस्ती, वो सब कुछ जो करने के लिए आप इस शहर में जाते हैं। समझ गए ना। हम भी जानते हैं दुनिया की आधी आबादी हांगकांग समंदर देखने क्यों जाती है। घर छोड़िए। वैसे दोस्तों, हांगकांग एक चाइनीज नाम है जिसका मतलब होता है स्पेशल, पर क्या आपको पता है हांगकांग का हिंदी का अर्थ क्या है? सोचिए, कॉमेंट कीजिए, बताइए। चलिए हम बताते हैं। देखिए, हांगकांग का हिंदी अर्थ है सुगंधित बंदरगाह, लेकिन हमें भी नहीं पता कि यहाँ कौन सा बंदरगाह सुगंधित है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, हांगकांग की कुल 70 लाख आबादी है, यानी कि भारत के शहर से भी कम है, और यहाँ बहुत हरियाली है। तभी तो भाई हांगकांग के टोटल एरिया की बात करें तो उसमें 40% सिर्फ पार्क है और 60% में लोगों के घर हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, बाकी चीजें हैं। यहाँ पेड़ पौधों का बहुत ख्याल रखा जाता है। क्या आप जानते हैं हांगकांग पर तकरीबन 150 साल से भी ज्यादा तक अंग्रेजों ने राज किया? जी हाँ, इंग्लैंड और चीन के बीच 1841 में लड़ाई हुई, जिसमें इंग्लैंड ने चीन को हराते हुए हांगकांग का अधिकार अपने पास रख लिया। लेकिन 1997 में हांगकांग को इंग्लैंड ने आजाद कर दिया। वैसे इस दौरान अंग्रेजों ने हांगकांग को एशिया का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बना दिया। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये शहर बहुत अलग है, क्योंकि ये चीन और इंग्लैंड के बीच में है, ग्लोब में नहीं बल्कि अधिकारों के मामले में। हांगकांग में डेमोक्रेसी है, यहाँ के लोग अपनी मतों का इस्तेमाल करके सरकार चुनते हैं, लेकिन इन सरकारों के पास बहुत ही नियमित कंट्रोल होते हैं, जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट एंड कल्चर। लेकिन जब बात आती है सुरक्षा की, तो भाई वो चीन के कंट्रोल में है। दोस्तों, हांगकांग दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ 14 मंजिल से ऊपर की सबसे ज्यादा बिल्डिंग है भाई। जी हाँ, सही सुना आपने, यहाँ 14 मंजिलों से ऊपर की 8000 बिल्डिंग्स हैं। भाई कई तो ऐसे होटल्स भी हैं जिसमें 60-60 फ्लोर्स हैं, और वहां से हांगकांग का नजारा ओहो कमाल दिखता है जी। एंड देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ की कुल आबादी सिर्फ 70 लाख है। यहाँ के लोग बहुत रिच होते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था विश्व की 35वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तभी तो कहते हैं कि इंग्लैंड ने जो 150 सालों तक राज किया, तो उसके बदले में बहुत कुछ दे के गए हांगकांग को। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा आउटडोर एस्केलेटर कहाँ है? सोचिए। अरे भाई, ये रिकॉर्ड भी हांगकांग के नाम है, जहाँ का एक स्टेशन है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा आउटडोर एस्केलेटर तैयार किया गया है। दोस्तों, आप जब भी हांगकांग जाएंगे ना, तो एक बात आप नोट करेंगे, वहाँ पे कुछ भी 4 नंबर का नहीं होता है। जानते हैं क्यों? भाई ऐसा इसलिए क्योंकि हांगकांग में 4 नंबर को अनलकी माना जाता है। क्या आपको पता है दुनिया के कौन से शहर में घर खरीदना सबसे महंगा है? नहीं पता? देखिए, ये शहर भी हांगकांग है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आपको घर खरीदना है तो आपके पास कम से कम 5 करोड़ रुपए होने चाहिए। क्या आपको पता है दोस्तों, हांगकांग दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ टॉयलेट फ्लश करने के लिए पूरी तरह से समंदर के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको फ्लश करते ही पता चल जाएगा। दोस्तों, हांगकांग के लोग ऐसे माता पिता को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं जिनके घर पहले लड़के का जन्म होता है और फिर उसके बाद लड़की का। हांगकांग के लोगों की माने तो उनके हिसाब से इस माता पिता के बच्चे भाई अपनी लाइफ में बड़े कामयाब होते हैं। खैर भाई, हर जगह की अपनी सोच होती है। अच्छा फ्रेंड्स, यू नो व्हाट,
हांगकांग के ओशन पार्क को वर्ल्ड का बेस्ट थीम पार्क का अवार्ड मिल चुका है। आप जब भी हांगकांग जाएं तो इस जगह पर जरूर जाएं, ये बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सारे लोग अपनी शाम यहाँ पर बिताने आते हैं। और दोस्तों हांगकांग में हर साल करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन आज हम आपको बता दें इस शहर में पहला टूरिस्ट कौन था। आप जानते हैं वो कौन से शहर से था? दोस्तों हांगकांग के इतिहास का पहला टूरिस्ट जॉर्ज अल्वारेक था, जो कि पुर्तगाल से था। अच्छा, क्या आपको पता है हांगकांग की लड़कियों को सबसे ज्यादा फ्रैंक माना जाता है? जी हाँ, आपको बता दूं ऐसा कहा जाता है कि हांगकांग की जो लड़कियां होती हैं वो आसानी से आपकी फ्रेंड बन जाती हैं। साथ में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हांगकांग में आप पैसे देकर सेक्स कर सकते हैं। जी हाँ, ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त बिजनेस है। यहाँ की लड़कियां आपसे पैसा लेकर आपके साथ रात भर संभोग करती हैं। आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं क्या वहां जाने का? याद रखें, आप एडल्ट होने चाहिए। अच्छा दोस्तों देखिए, ऐसा कहा जाता है कि हांगकांग की लड़कियों को आप अपने दोस्त बनाकर उन्हें होटल ला सकते हैं, लेकिन वो लड़कियां आपको कभी भी अपने घर नहीं बुलाती हैं। हांगकांग के लोकल लोगों के बीच नियम है कि वो किसी भी टूरिस्ट को अपने घर नहीं बुला सकते हैं। दोस्तों हांगकांग में ना सिर्फ आप पैसे देकर लड़कियों के संग सेक्स कर सकते हैं, बल्कि अगर किसी लड़के को किसी लड़की की जरूरत है तो वहाँ इस तरह की सुविधा भी दी जाती है। कोई भी लड़की पैसे देकर इस बिजनेस में इन्वॉल्व लड़के को अपने होटल रूम में बुला सकती है, और ये बिल्कुल वैलिड है वहाँ पर। फ्रेंड्स, हांगकांग में सबसे बड़ी डबल ट्रैक ट्रैम कार्स चलती हैं। अच्छा, ट्रैम कार से आपको लगा होगा कि भाई अपना कोलकाता शहर होगा, लेकिन सबसे बड़ी डबल ट्रैक ट्रैम कार चलाने का रिकॉर्ड भी हांगकांग के नाम है। इस डबल ट्रैक ट्रैम कार्स में रोज लगभग 3 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। संग में दोस्तों आपको बता दूं कि हांगकांग में क्लास 12 तक हर बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ, यहाँ इंडिया की तरह एडमिशन कराने के लिए नहीं, क्या आपको भैया पूरे पैसे खर्च कर देने पड़ते हैं एडमिशन फीस में। वहाँ पे आपको एक भी रुपया निकालने की जरूरत नहीं है। और देखिए, हांगकांग में एक बड़ी अजीब सी प्रथा है। ऐसा कहा जाता है कि हर एक इंसान के बर्थडे के दिन यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि आप जितने नूडल्स खाएंगे बर्थडे बॉय और गर्ल की उम्र उतनी ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि वहाँ के लोगों को नूडल्स वैसे भी खाना बहुत अच्छा लगता है, अब हो सकता है कोई उनका बहाना हो नूडल्स खाने का। अच्छा वैसे आपको क्या पसंद है, नूडल्स या अपने दाल चावल? कमेंट करके बताओ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस शहर की आबादी है सिर्फ 70 लाख, लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये बहुत रिच सिटी है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस शहर में 64 ऐसे आदमी हैं जिनके पास भाई $1 बिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति है। जी हाँ, 1 बिलियन से ज्यादा की प्रॉपर्टी। दोस्तों हांगकांग की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक इंग्लिश और दूसरी चाइनीज। जी हाँ, क्योंकि यहाँ बहुत सालों तक इंग्लैंड ने राज किया और अब यहाँ का नियंत्रण चीन के पास है, लेकिन यहाँ की चीनी भाषा और जो चीन में चीनी भाषा बोली जाती है उसमें बहुत अंतर होता है। देखिए दोस्तों, रोल्स रॉयस गाड़ी के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक है। आपको बता दूं कि कुल जनसंख्या और टोटल नंबर्स ऑफ रोल्स रॉयस कार के रेशन में हांगकांग शहर दुनिया में नंबर एक स्थान पर आता है। कम जनसंख्या वाली जगहों का यही तो फायदा होता है भाई। दोस्तों हांगकांग की जनता, वहाँ की आवाम अप्रैल और मई के महीनों में एक त्यौहार मनाती है, एंड उस फेस्टिवल के मुताबिक वहाँ के लोग एक बहुत बड़ा केक बनाते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप पास के आइलैंड जहाँ कोई इंसान नहीं रहता वहाँ के भूत प्रेत आएंगे और इस केक को खाएंगे। जी हाँ, और देखिए वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि भाई अगर भूत प्रेत का पेट भरा होगा तो वो हांगकांग के लोगों पर कभी हमला नहीं करेंगे, वो अपने आइलैंड पर रहेंगे और इंसान अपने आइलैंड पर। मतलब मुझे ऐसा लगता था ये सब यहीं होता है, लेकिन बाहर के लोगों की बुद्धि में भी ये सब भरा हुआ है। हद है भाई। अच्छा आपको बता दूं, हांगकांग में 1200 से ज्यादा गगनचुंबी इमारतें हैं, जिसमें से 36 विश्व की 100 सबसे ऊंची इमारतों में शामिल हैं, जिनमें से द स्काईलाइन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और दोस्तों हांगकांग के एजुकेशन सेक्टर में इंग्लैंड की चाप साफ तौर पर देखने को मिलती है। हालांकि अब हांगकांग चीन का हिस्सा है, लेकिन अभी भी हांगकांग में ब्रिटिश लाइफस्टाइल का चाप साफ तौर पर देखने को मिल जाता है। क्या आपको पता है दोस्तों, हांगकांग की लड़कियां शादी से पहले कितनी भी फ्रैंक क्यों ना हो, लेकिन एक बार शादी के बंधन में बनने के बाद बहुत लॉयल होती हैं। तो जो भी हांगकांग जा रहे हैं वो इस बात को याद रखें कि वहाँ की लड़कियाँ आपके संग फ्रैंक हो सकती हैं, आपके साथ ड्रिंक भी कर सकती हैं, लेकिन हाँ वहाँ की शादीशुदा लड़की पर अपनी किस्मत आजमाने की सोचना मत, वरना आपकी किस्मत बदल जाएगी, ठीक है ना। फिलहाल इस वीडियो के सफर को यहाँ खत्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और संग में मुझे कमेंट करके बताइए हांगकांग के बारे में कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इस वीडियो को शेयर कर देना। ऐसी और वीडियोज़ देखनी है तो एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर देना। ओके, अपना बहुत ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।